नमस्कार, मैं हूँ अलीशा और आप देख रहे हैं DNN न्यूज। जी हाँ, आज है 1 जुलाई और आज का दिन क्यों फेमस है आप सबको पता है। आज है डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। आज हमारे सारे अस्पतालों के, क्लिनिक के और बाकी हर जगह सारे डॉक्टर्स का दिन है। वो डॉक्टर जो मरीजों को दिन रात मेहनत कर कर ठीक करते हैं, जो इंसानों को जन्म देने में ही जिनका सहयोग नहीं होता बल्कि जो इंसानों को सुरक्षित करने में भी अपना सहयोग देते हैं। और हम इंसान ही क्यों कहें, चाहे पशु हो, पक्षी हो या जानवर हो, कोई भी हो, डॉक्टर्स किसी से अछूते नहीं हैं। पशु, पक्षी, जानवर सबको ये बात पता है कि जब जब उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है और डॉक्टर के पास वो जब भी जाते हैं या उन्हें ले जाया जाता है, डॉक्टर अपना 100% देते हैं। हम सिर्फ किसी भी पहलू को एक नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से नहीं देख सकते। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत सहयोग देते हैं मरीजों को ठीक करने में। आज हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स से, अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स से। कहते हैं इस धरती पर अगर आपको कहीं भगवान देखना है तो वो हमें साक्षात डॉक्टर्स में नज़र आते हैं, क्योंकि वही आपको जीवन देते भी हैं और आपके जीवन को बचाते भी हैं। यानी कि सुरक्षा देने का काम भी आपकी आखिरी सांसों तक डॉक्टर्स करते हैं और आज उन्हीं का दिन है, यानी कि नेशनल डॉक्टर डे है। और देखेंगे कि डॉक्टर्स आज के दिन या वो हर दिन अपने पेशेंट्स को सारी सेवाएं देते हैं, और आज के दिन वो क्या कुछ दे रहे हैं सेवाएं और किन चीज़ों का अभाव है डॉक्टर्स के पास भारत में, और जिसकी वजह से वो पेशेंट को और अच्छी सुविधा मुहैया नहीं करा पाते। सरकार से उनकी क्या मांगे हैं, किस अभाव में वो पेशेंट की दुविधा को दूर करते हैं, उनको इलाज करते हैं और क्या कुछ करते हैं, और देखते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ है डॉक्टर्स के पास। बात अगर हम डॉक्टर्स डे की करें तो इससे नर्स भी कहीं दूर नहीं है। जहां जितना मरीज को इलाज करने पर डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, उतनी नर्सेस की भी जरूरत बखूबी पड़ती है। ये डॉक्टर और नर्सेस मिलकर किसी भी मरीज के लिए भगवान साबित हो जाते हैं। परिवार जितनी उम्मीदों के साथ डॉक्टर और नर्सेस पर भरोसा करते हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ सारी नर्सेस और डॉक्टर मन लगाकर किसी मरीज को ठीक करने में अपना 100% देते हैं। इसीलिए जरूरत है हमें हर नर्स और हर डॉक्टर पर भरोसा जताने की। कभी भी किसी भी वक्त हमें आक्रामक नहीं होना चाहिए। वैसे इंसान इस काबिल नहीं कि उसकी तुलना भगवान से की जाए, लेकिन डॉक्टर ने अपने काम से ये दर्जा हासिल कर लिया है। बता दें कि जीवन मृत्यु इंसान नहीं भगवान के हाथ में होती है, ये हर किसी को पता है। लेकिन अब भगवान ने इंसान को डॉक्टर बनाकर उसे भी जीवन देने का हक दे दिया है। इस जीवनदानी को ही हम डॉक्टर कहते हैं, जो हमें जन्म देता है, साथ ही कई बार मृत्यु से भी बचाता है। आज है 1 जुलाई यानी कि डॉक्टर्स डे। हम आए हैं डॉक्टर मालिनी भारद्वाज के पास, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मालिनी से कि महिलाओं में अधिकतर जो समस्याएं देखी जा रही हैं, जिसमें भारत में बहुत सी महिलाएं हैं जो पिछड़े जगह की हैं, यानी कि गांव की हैं, जहाँ पर कोई सुविधाएँ नहीं होती, उनके लिए आज सरकार के क्या कदम होने चाहिए, एक डॉक्टर के हिसाब से आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब आप इन केसेस को देखती हैं तो। एक्चुअली अगर आप रूरल एरिया की बात करते हैं, है ना, गांव की बात करते हैं, तो मेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स में, मोर और लेस इट इज़ रिलेटेड विद द हाइजीन, है ना, दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम विद दैम। सो गवर्नमेंट की तरफ से अगर
आप कुछ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड ट्राई, मतलब उनको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा उनका सोशो इकोनॉमिक लेबल जो है वो इम्प्रूव हो, उनको एजुकेशन दी जाए. फीमेल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक यू मस्ट ऑल बी अवेयर ऑफ इट. एंड अगर उनको एजुकेट करेंगे, वी शुड एजुकेट देम अबाउट द हाइजीन, अबाउट द वैसे भी एजुकेशन देंगे, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होगा, सो दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम सेल्फ ऑल्सो. अगर इस तरह से होता है तो उनमें जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू द हाइजीन मेनली, वो वैसे भी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, कम होगी. ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम जो उनकी दूसरी अदर्स प्रॉब्लम्स हैं उनकी, वहाँ पर मेन जो हर्डल है वो है सोशो इकोनॉमिक, उनका इकोनॉमिक स्टेटस. तो अगर गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसी कोशिश करती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे या कुछ जो स्कीम्स होती हैं रिलेटेड टू हेल्थ, है ना, वो देगी तो उनको शायद हेल्प मिलेगी. वैसे गवर्नमेंट करती है ना, जैसे डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, हॉस्पिटल्स हैं, फ्री डिलीवरीज होती हैं, डिलीवरी हॉस्पिटल में कराने के लिए उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं. गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं, बट और कोशिश कर सकते हैं. जैसे पश्चिम बंगाल में देखा गया था कि कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि आप लोग, आप डॉक्टर्स के हाथ में भी पेशेंट की जान नहीं होती, वो ख़त्म हो जाते हैं और कई उनकी डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से उनके जो परिवार हैं वो डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं और कई बार ऐसे वॉयलेंस हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए. और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई थी और बाकी चीज़ें हुई थी, एक पूरे राज्य में डॉक्टर्स की स्ट्राइक होना बहुत बड़ी बात होती है. तो ऐसी वक्त के लिए, इस तरीके के वॉयलेंस के लिए, आप सरकार से आपकी क्या उम्मीदें होती है कि अगर कोई परिवार या एक कुछ समाज के लोग या एक स्टेट के लोग इस तरीके की वॉयलेंस करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि ऐसे में सरकार को, सरकार से आपकी क्या फैसिलिटीज़ की डिमांड होगी? दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट फॉर अस. People don't understand, but still we try our best. We always try our best to take care of patients. गवर्नमेंट से हमें सिर्फ इतनी सी उम्मीद है, इतनी सी हमारी डिमांड है कि अगर लोगों को ये समझना मुश्किल है तो एटलीस्ट कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे डॉक्टर्स के लिए. स्पेशली ये जो इंसिडेंसेस होते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो इतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं, उसमें डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, लोगों को ये समझना ज़रूरी है ना. डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बट फैसिलिटीज़ नहीं हैं. मतलब 100 पेशेंट पे अगर आप एक डॉक्टर देते तो व्हाट, हाउ ही विल हेल्प यू ना. तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर सीट्स पढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स अपने यहाँ हों, ताकि ये जो क्राइसिस रहती है कि पर पेशेंट डॉक्टर कम हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो. दूसरा, अगर फिर भी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो डॉक्टर्स के लिए एटलीस्ट दे शुड प्रोवाइड सम सिक्योरिटी, है ना, या फिर कुछ ऐसे रूल्स बनाए. मतलब इट शुड नॉट बी सो इजी फॉर द पेशेंट्स कि गए और डॉक्टर्स को पीट दिया, है ना. द गवर्नमेंट शुड मेक सम रूल्स, हाँ, कि अगर पेशेंट के साथ वाले ने या पब्लिक ने इस तरह के से किया तो उनके लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि उनको भी थोड़ा डर लगे कि इट्स नॉट सो इजी कि आप हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दो या किसी भी डॉक्टर को पीट दो. जो स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट बल्क में भर लिए जाते हैं, डोनेशन के बेसिस पे भरे जाते हैं. तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेडिकल में, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वही आप प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे. तो जो मेडिकल कॉलेज की स्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है आज की डेट में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यू टॉकिंग अबाउट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस? ओके, देखिए उसका भी कुछ एक सोल्यूशन तो निकला है. नाउ इट इज़ द एडमिशंस आर नॉट टोटली बेस्ड ऑन द डोनेशन, है ना. स्टूडेंट्स हैव टू क्लियर द नीट एग्ज़ाम. जिन भी बच्चों का डोनेशन से होता है वो एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप कि ऐसे बच्चों का? देखिए, सिर्फ बच्चों को दोष देना गलत है. मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपनी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए. पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि उनका बच्चा करना क्या चाहता है,
है ना, दे शुड नॉट पुष देयर चिल्ड्रन टू गो फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग और IIT, और उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका बच्चा करना क्या चाहता है। डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है और आप इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगी? जैसे आज डॉक्टर्स डे है तो आप इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहेंगी? आई डोंट सेलिब्रेट इट इन पर्टिकुलर वे, रूटीनली जैसा मेरा सारे दिन रहते हैं वैसे ही रहते हैं। ऑफकोर्स फ्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स दे कम टू अस, दे ग्रीट अस, दैट्स इट। और जैसे कि हमने आपसे बात की, खास बातचीत की, तो बाकी डॉक्टर्स के लिए और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? फॉर स्टूडेंट्स, यस, स्टूडेंट्स को तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, उस दिन आपको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सारे शौक, आप अपने सारी प्रायोरिटीज़ एक तरफ रखें। आपकी प्रायोरिटीज़ हमेशा ये रहे कि योर प्रोफेशन विल कम फर्स्ट, योर फैमिली, योर हॉबीज़, योर लेजर, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, तो ऑल दोज शुड कम सेकेंडरी, योर प्रायोरिटी शुड बी योर प्रोफेशन। जो अवेयरनेस के लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन को लेकर है, बाकी चीज़ों को लेकर है, हॉस्पिटल्स में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सैनिटरी नैपकिन्स क्या आते हैं? नो, गवर्नमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग अस एनी दिस टाइप ऑफ सैनिटरी नैपकिन एंड ऑल, दे प्रोवाइड अस अदर एमिनिटीज लाइक सम कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड मेडिसिन एंड ऑल दैट, नॉट सैनिटरी नैपकिन्स। तो आपका इस पर क्या कहना है कि क्या गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करना चाहिए हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट सेक्टर्स में, किस कहीं पर भी? I don't think they should provide in hospitals. Actually, they should do something ki, especially like we talked about the rural areas, वहाँ पर कुछ इस तरह से उनको करना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनको वो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो। जिस तरीके से विलेज में कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जाकर खुद खरीद नहीं पाती हैं क्योंकि उनका ये ट्रेडिशन और इस तरीके के कल्चर होते हैं, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सेज हैं या कोई भी हैं वहाँ पे, कुछ भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो क्या अवेयर का काम या घर घर जाकर उसका एडवर्टीजमेंट या कम पैसों में देना कुछ इस तरीके? यस यस, इन रूरल एरियाज़ में जो डिस्पेंसरीज, छोटी छोटी सी डिस्पेंसरीज एंड PSCs होती हैं, उस लेवल पर ये काम कर सकते हैं, है ना जी। तो आपकी कोई ऐसी, कभी भी ऐसा आपके लाइफ में कभी हुआ है कि कोई पेशेंट बहुत ज़रूरतमंद हो और उसके पास पैसे ना रहे हों और आपने उसका ट्रीटमेंट किया हो? एक आध बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है जी, कई बार। जैसे कोई एक केस छोटा सा भी अगर हो? बहुत सारे, कई बार ऐसे हुआ है। फॉर एग्जांपल, हाल ही में जैसे आई एम वर्किंग इन द JK हॉस्पिटल, राइट, वहाँ पर एक पेशेंट ऑपरेट होना था एंड शी वाज रियली इन ट्रबल, तो उसको ब्लड की भी ज़रूरत थी। वी हैव पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आई काउंसल द स्टूडेंट्स, दे देमसेल्फ वेंट टू द ब्लड बैंक, दे डोनेटेड द ब्लड एंड वी टॉक टू द मैनेजमेंट, उसका कुछ कंसेशन कराया हमने एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक मेडिसिन ऑल दैट वी अरेंज फॉर द पेशेंट एंड वी डिड इट फॉर इट फॉर हर। देखा आपने कि डॉक्टर मालिनी ने कितनी अच्छी चीज़ें बताई कि उनके साथ कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई बार उनको पेशेंट को कंसेशन देना पड़ता है या मुफ्त में इलाज करना पड़ता है और वो करती हैं। सैनिटरी नैपकिन के ऊपर भी उनके बहुत सारी अच्छी चीज़ें रहीं, ब्लड डोनेशन को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे हम अपने खास कार्यक्रम को लेकर, तब तक देखना ना भूलें DNN न्यूज। Thank you.
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं कि डॉक्टर डे का इतिहास क्या है, यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है। अलग अलग देशों में ये अलग अलग दिन मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को मनाने का इतिहास भी हर देश का अपना है। यहाँ यानी कि हम भारत में डॉक्टर डे से इतिहास के बारे में बात करेंगे। भारत में डॉक्टर्स डे की शुरुआत साल 1991 में भारत के सरकार तत्कालीन सरकार के द्वारा की गई थी। तब से हर जुलाई पहली तारीख को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में पहचाने जाने लगा और मनाया जाने लगा। इस दिन को पूरे भारत में पौराणिक चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री का सम्मान करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सुनिश्चित किया जाता है, जिनका नाम डॉक्टर बिधान चंद्र राय था। बता दें कि इनका जन्म 1 जुलाई को साल 1882 में बिहार के पटना शहर में हुआ था और इसी दिन 80 साल बाद इनकी मृत्यु भी हो गई। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, उन्होंने कलकत्ता से अपने मेडिकल स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पूरा कर साल 1911 में लंदन में MRCP और FRCP डिग्री हासिल की थी। डॉक्टर बनना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल है इस सफ़र को तय करना। जी हाँ, जब आपके सामने दर्द से बिलखता हुआ कोई मरीज सामने आता है और उसके परिवारों की सारी उम्मीद सिर्फ एक इंसान पर टिकी हो, यानी कि डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर और वहाँ के कर्मचारियों पर, तो उन उम्मीदों पर खरा उतरना अकेले डॉक्टर्स के लिए कितना मुश्किल काम है, ये आप और हम बखूबी समझ सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए जितनी पढ़ाई की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा कठिन होता है किसी मरीज को ठीक करना और उसके परिवार की सारी उम्मीदें पूरी करना। ये डॉक्टर्स के हाथ में तो नहीं होता, लेकिन हाँ, डॉक्टर्स अपने 100% अपना 100% मेहनत ज़रूर करते हैं किसी भी मरीज को पूरी तरह ठीक करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक राजौरिया सर, जो कि MD मेडिसिन फिजिशियन हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज डॉक्टर्स डे है, तो आप किस तरीके से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, या कोई ऐसी चीज़ है जो मन में रहती है कि आज डॉक्टर्स डे है तो आज तो कम से कम आज से इस चीज़ की शुरुआत करूँगा मैं, या करने की कोशिश करेंगे हम सारे डॉक्टर्स? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया इस पर पे बात करने के लिए। एक्चुअली ये जो डॉक्टर्स डे है, हम ये डॉक्टर BC रॉय, जो कि काफ़ी सीनियर फिजिशियन थे बंगाल में, जिनको इसके लिए सोसाइटी में काफ़ी अपने काम के लिए उनको अवार्ड मिला था, उनके उपलक्ष में मनाते हैं। तो इसी के लिए हम लोग डॉक्टर्स डे पे कोशिश करते हैं कि हम मरीज़ों के साथ हमारा संपर्क और बढ़े और हम उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर के उनको जागरूक बनाएं और अस्पताल और डॉक्टर से उनके रिलेशन अच्छे रहें। वो मतलब सोसाइटी के लिए जो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं उस चीज़ को वो समझें और इम्पोर्टेंस मिले, वही चीज़ों को लेकर के हम लोग इसको डॉक्टर्स डे को मनाते हैं। डॉक्टर्स डे पे ख़ास तौर से आजकल के माहौल को देखते हुए, जिसमें दिन पे दिन आप सुनते ही हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं कि मरीज़ और डॉक्टर्स के रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ते चले जा रहे हैं, ट्रस्ट उठता जा रहा है, तो ये एक पर्व ऐसा है कि हम चाहेंगे कि हम इस पे सभी डॉक्टर्स और मरीज़ के बीच में उनके रिश्ते और मज़बूत हों और सोसाइटी में जो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं उसको लेकर के थोड़ी जागरूकता बढ़े। अब हाल ही में नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो सबसे बुरी स्वास्थ्य व्यवस्था है देश में, वो चार राज्यों के बारे में जिक्र किया है नीति आयोग की रिपोर्ट ने, उसमें से है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। सर, ऐसी हालत, इन बुरी हालतों में मध्य प्रदेश का भी नंबर है, क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी वजह ठोस रही है? वजह तो जो उन्होंने जैसा डेटा लिया है, तो इसमें एक
डेटा ये भी है कि यही सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनता है, ठीक है। तो इसको और सुधार, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनता होगी ऑब्वियसली वहीं पे डेटा भी बढ़ करके आएगा, तो एक तो वो रीज़न है। दूसरा ये है कि इसी पॉपुलस, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलस स्टेट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स और नंबर ऑफ़ हेल्थ फैसिलिटीज़ दोनों बढ़ाने की आवश्यकता है। हम जानना चाहेंगे क्या ऐसी वजह है आज के दिन में जो इतनी रिश्ते बिगड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की हड़ताल अभी बीते दिन हुई है, उसके लिए देश भर के तमाम डॉक्टर्स एक हो गए, और ये हाल की ही बात है। चलिए ठीक है, इसका जिक्र हम कर रहे हैं, इससे पहले भी डॉक्टर्स को हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ी। ऐसी क्या वजह हो जाती है और इतने रिश्ते बिगड़ने के कारण क्या? इसमें मैं, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी बात भी रख सकता हूँ कि इसमें एक पॉजिटिव हम अप्रोच बनाना चाहते हैं। मीडिया इसमें अगर हमारी हेल्प करे कि जो एक, मुझे ऐसा लगता है कि मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक नेगेटिव फीलिंग लेके ही जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉरपोरेट कल्चर और बहुत सारी एक, मतलब जो उन्होंने बातें सुनी होती हैं कि यार डॉक्टर हैं तो मतलब पैसा ही लेंगे या यही करेंगे, तो एक ऑलरेडी एक नेगेटिव वो बना करके जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि मैम जब कोई सीरियस पेशेंट आता है तो वो नेगेटिविटी की वजह से वो ऑलरेडी फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि जिसमें फिर झगड़ा होता है और ये सब होता है। तो इसमें एक ज़रूरत है मैम दोनों ही पक्ष के, कि मरीज़ और डॉक्टर दोनों ही एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाएं, अपने पॉजिटिव विचार मरीज़ों तक पहुँचाएँ, एक चीज़ बताएँ कि भाई ये मुद्दा ऐसा है और इसमें ऐसे काम होता है। अगर ये बातचीत पहले से ही होकर के रखे तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी कुछ हद तक कम हो जाएंगी। फ्रॉम एज अ डॉक्टर हम खुद से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें केवल इलाज नहीं देना है, हमें सोसाइटी को एजुकेट भी करना है, हमें सोसाइटी को जागरूक भी बनाना है। हम ये नहीं चाहते कि आप हमेशा इलाज लेनी हो, आप स्वस्थ रहो, कि आपको इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े, हम तो ये चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर BC रॉय जो MD मेडिसिन फिजिशियन और FRCS थे, उन्होंने सोसाइटी के लिए यही सब चीज़ें की थी, सोसाइटी को जागरूक बनाया था, जिनके नाम पर आज हम ये डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो हम आगे भी यही चाहेंगे कि हम एजुकेट करें लोगों को कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, कि डॉक्टर्स की उनको इवन ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि डॉक्टर्स का काम सिर्फ इलाज करना नहीं, अवेयर करना भी है, कि ताकि पेशेंट को डॉक्टर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, वो स्वस्थ रहें पहले से ही। सर, आज डॉक्टर्स डे है, आपको सबसे पहले तो बधाई, ढेर सारी डॉक्टर्स डे की, हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे। सर, आप आज के दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, क्या कुछ करेंगे आप आज के दिन कुछ नया? आज के दिन नए में तो यही है कि हम OPDs जो अपना देखते हैं उसमें हम पेशेंट को ग्रीट करेंगे कि आज डॉक्टर्स डे है, तो हम मतलब उनसे संपर्क बनाने के लिए कि आज हम डॉक्टर्स डे क्यों मनाते हैं और उसके विषय में उनको जागरूक बनाएंगे। और साथ ही हम एक जागरूकता शिविर भी रखेंगे कि जो भी मरीज़ आ रहे हैं तो उनको हम जागरूक करें उनके स्वास्थ्य को लेकर के, कि उनको और मतलब कैसे हम उनको और उनकी लाइफ हम बेटर बना सकते हैं। तो यही आज हमारा मेन गोल है कि डॉक्टर्स डे पर हम उनको जागरूक करें जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो सुना आपने कि कितनी अच्छी बातें सर ने कही कि OPD में जो भी मरीज़ हैं उनको अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे, और मरीज़ और डॉक्टर्स के बीच हम भी चाहेंगे कि आप भी अगर डॉक्टर हैं तो अपने रिश्ते मजबूत करें, और अगर आप मरीज़ हैं तो आप भी डॉक्टर्स के बारे में सिर्फ नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिविटी भी लाएँ, क्योंकि हर डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। तमाम देश में ऐसे डॉक्टर हैं जो वाकई में बिगड़े इलाकों में सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। आज डॉक्टर्स डे है और हम तमाम डॉक्टरों से मिलते चल रहे हैं आज। तो इसी दौरान हमारे साथ मौजूद है JP हॉस्पिटल की डॉक्टर शिखा गुप्ता और साथ में डॉक्टर संदीप गुप्ता। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शिखा गुप्ता जो है, मैं आप लोगों को परिचित करा दूं कि एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मैम, आज डॉक्टर्स डे है और इस डॉक्टर्स डे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार, पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी डॉक्टर्स डे पर। मेरी तरफ से DNL चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज चूँकि डॉक्टर्स डे है तो डॉक्टर्स डे डॉक्टर BC राव के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वो एक काफ़ी ही अच्छे और बहुत ही डिवोटी डॉक्टर थे, उनकी ही मेमोरी में हम डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं जो 1st July को आता है।
मैं जानना चाहूँगी मैम, आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं और किस तरीके की परेशानियाँ आती हैं जब पेशेंट आते हैं, और सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी अगर क्या रिसोर्सेज की कमी हो जाती है कभी कभी हॉस्पिटल्स में? एक्चुअली हमारे यहाँ पेशेंट, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट सेटअप में ऑलरेडी हैं, हमारे यहाँ पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं और गायनी डिपार्टमेंट में हमेशा ओवरलोडेड ही रहता है। तो मेरी तरफ से यही है कि डॉक्टर्स और बढ़ा दिए जाएँ, क्योंकि डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो अभी भी काफ़ी कम है, तो उस तरह से रिसोर्सेज हमारे पास उतने नहीं हैं जितने पेशेंट्स लोड ज़्यादा है हमारे पास। तो मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस हिसाब से जितने ज़्यादा पेशेंट हैं उस हिसाब से डॉक्टर्स नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या आज की टाइम पे हो गई है भारत की। सर, आप क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि बच्चों में जिस तरीके से कुपोषित बच्चों की जो संख्या है वो दिन ब दिन भारत में बढ़ती जा रही है, WHO की रिपोर्ट में भी ये कई दफ़ा सामने आया है, आपको क्या लगता है कि भोपाल में ऐसे क्या बच्चों लगभग कितने कुपोषित बच्चे आपको रोज़ाना या फिर महीने में या सालाना आपको मिल जाते हैं? एक्चुअली कई कारण हैं जिसकी वजह से कुपोषित मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। पहले तो शिक्षा का अभाव है, उसकी वजह से कुपोषित बच्चों की संख्या रहती है, और क्या न्यूट्रिशन देना क्या नहीं देना उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब प्रतिदिन हमारे यहाँ NRC भी है जिससे कुपोषित बच्चों को भर्ती किया जा रहा है, सरकार द्वारा बच्चों के डॉक्टर्स के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जिससे मदर को क्या देना है क्या नहीं देना उसके साथ संतुलित आहार की सूचना दी जाती है। सर, आपको क्या लगता है कि ये अभी नीति आयोग की हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें 4 राज्यों को सबसे बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नीति आयोग के रिपोर्ट में दिखाया गया, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, तो क्या लगता है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर इतनी हालत बुरी क्यों है? चूँकि मध्य प्रदेश एक पहले पिछड़ा हुआ राज्य था, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, इसकी वजह से बच्चों में मृत्यु दर ज़्यादा है, कुपोषण की दर ज़्यादा है। चूँकि अभी इनिशियल कुछ विगत वर्षों में काफ़ी कुछ सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे उसमें मृत्यु दर, कुपोषण, शिक्षा में कमी आ रही है। मैं अब आप दोनों से एक ही सवाल करना चाहूँगी कि आज डॉक्टर्स डे है और इसके लिए आप उन सारे तमाम डॉक्टर्स और मरीजों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आप दोनों से। हम यही चाहेंगे कि डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास रखा जाए, डॉक्टर भगवान नहीं होता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है जिससे मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसीलिए डॉक्टर के साथ वो मारपीट हिंसा ना की जाए उसके ऊपर विश्वास रखा जाए। और मेरी तरफ से ये भी कहना चाहूँगी कि डॉक्टर हमेशा आपका भला चाहता है, वो कभी भी आपका अहित नहीं होने देना चाहता, और आपके हित नहीं डॉक्टर का हित है, इसलिए उस पर विश्वास रखें और थोड़ा सा सद्भावना बनाए रखें। तो देखा कि तमाम डॉक्टर्स, और हमने डॉक्टर शिखा गुप्ता से भी बात की, संदीप गुप्ता, सारे लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि डॉक्टर्स पर भरोसा बनाए रखें, डॉक्टर्स के बारे में पॉजिटिव बातें सोचें, और जब उनसे आप मिलने जाएँ तो पॉजिटिव थिंग को लेकर जाएँ, पॉजिटिव चीज़ें सोच कर जाएँ, क्योंकि डॉक्टर अपने तरफ से पूरी मेहनत करता है किसी भी मरीज़ को स्वस्थ करने के लिए, हेल्दी करने के लिए। तो हमारे तरफ से भी यही गुजारिश रहेगी कि सारे डॉक्टर्स को एक नज़रिए से ना देखा जाए, सारे डॉक्टर्स पर आप जब भी जाएँ तो भरोसा करना सीखें। देखा आपने, हमने आपको ढेर सारी जानकारियां देने की कोशिश की हैं कि किस तरीके से मरीज और डॉक्टर्स के बीच का संबंध होता है, ये संबंध कितना गहराता जा रहा है, कितनी दूरी में बनता जा रहा है। साथ ही हमने तमाम गायनोकोलॉजिस्ट से बात की, जानने की कोशिश की कि महिलाओं से संबंधित चीज़ें क्या होती हैं, आम दिनों में, आम समय में इस वक्त क्या क्या कमियां रह गई हैं सरकार की तरफ से, या डॉक्टर्स क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं। साथ ही
पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या रोल होता है? बिल्कुल आप तमाम डॉक्टर्स को एक ही नज़रिए से देखें, सिक्के के एक ही पहलू से देखें, ये सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपना 100% दे रहे हैं सारे मरीजों को ठीक करने में। कई लोग मुफ्त इलाज कर रहे हैं, बीहड़ इलाकों में जा रहे हैं, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। हम उन सारे लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का और नर्सेस का बहुत बड़ा योगदान है समाज के बहुत बड़े हिस्से के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए DNN News के साथ।